Okay, so let us start your fun. Snap video for thermodynamics. Okay, so first of all, just tell me, what do you understand by the critical point of water? Critical point of water. Yes. It is the point where liquid phase and vapor phase both will means the both will form a single phase where degree of freedom will become one. Degree of freedom will become one. Are you Sorry, sure? sorry, sorry. It will be zero. It will be zero. Okay, and what is the value of pressure and temperature at this point? And temperature is around 350 degrees centigrade, and then the pressure I'm not able to record. Just draw a PV diagram of water and CO2, okay, and just show all the phases, solid, liquid, and gases in a graph, in a PV diagram. Water should be like this. Water. Okay. Okay, what is this line? This Yes. is from compressed liquid to Where is the saturated solid liquid. phase? Where is the solid phase? Where is the liquid phase and where is the vapor phase? I just want to know all the phases here in this case. For the CO2 as well as the water. That's so long. I'm going to start. It is a solid, then it's converted. जब प्रेशर कम होगा तो ये सैचुरेटेड सॉलिड में कन्वर्ट हो, और फिर उसकी फेज चेंज होगी, सैचुरेटेड लिक्विड में चेंज होगा. देन अगेन प्रेशर डिक्रीज होने पे ये सैचुरेटेड लिक्विड करस्पॉन्डिंग टू वेपराइजेशन उसमें कन्वर्ट होगा, एंड देन सैचुरेटेड वेपर, एंड देन सुपरहीटेड. Okay, it is for water or CO2? इट इज फॉर वाटर. It is for water. Okay. Is there any change in the PV diagram for the CO2 also? There will be more change in the pressure. Sorry, there will be more change in the volume when we will change the pressure in the case of CO2. Like पानी जो होता है वो comparatively incompressible होता है, जबकि CO2 compressible होती है, तो ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा वॉल्यूम. नहीं, आपके पास तो तीनों फेसेस का कुछ होगा ना, ना सॉलिड लिक्विड गैसेस. अच्छा, ड्राई आइस क्या होती है? ये मैंने आपको पहले ही पूछा था. मुझे लगता है ड्राई आइस पढ़ा था इसके बारे में, कैसे कूलिंग में परफॉर्म करता है ये. भूल गया सर, मैं इसको देखना. सर ओके ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल ये चार प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड देन रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. ओके, डू यू नो अबाउट द कार्नोट प्रिंसिपल? कार्नोट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू कार्नोट प्रिंसिपल, लाइक एनी हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर, देन रिवर्सिबल हीट इंजन विल हैव दी मोर एफिशिएंसी देन द इरिवर्सिबल हीट इंजन. ओके ठीक है, कोई एंड इशू नहीं है. ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोसेस इनइक्वालिटी की, कैसे डिफाइन करोगे? सर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू ओवर टी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड इट इज इक्वल टू जीरो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, एंड व्हाट अबाउट द एंट्रोपी? एंट्रोफी ऑफ एनी सिस्टम, लाइक इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मूला, देन एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंड एंट्रोपी इज
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर डी प्लस एस जी, वेर एस जी इज द हीट जनरेशन, दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, बट वन इट थिंग, एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन? इज अ पॉइंट फंक्शन, अगेन, व्हाट अबाउट द एंट्रोपी जनरेशन? इट इज अ पाथ व्हाई? फंक्शन सर, बिकॉज एंट्रोपी जनरेशन इट्स द मेजर ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज, एंड ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी, मतलब किसी पाथ के अलोंग जितनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगी, तो उसके करिस्पॉन्डिंग एस सी भी डिफरेंट आएगा। ओके अच्छा, आपके पास मौली डायग्राम क्या होता डायग्राम होता है एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, है? एंड व्हाट अबाउट द टीपी डायग्राम? बोलते टीपी क्या उसको वो बताने से। हाँ आप बस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ करके दिखाओ जरा, आपके पास यहाँ पे टीपी डायग्राम को, उसमें आपके पास इन्वर्जन कर्व क्या होता है, जूल थॉमसन कपलिंग क्या है, ओके एक्सप्लेन ओके करो। टीपी डायग्राम, टीपी डायग्राम सर हम उसके लिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए जनरली यूज करते हैं। ओके, ये जो आपने डॉटेड लाइन जो शो करी है, इसमें यहाँ पे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है? जीरो यहाँ पे 0 होगी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो आपके पास, होगी, और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे क्या वैल्यूज होगी? लेफ्ट राइट में उसके लेफ्ट में वैल्यू होगी पॉजिटिव एंड उसके राइट में वैल्यू होगी नेगेटिव। पर ये स्लोप जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है वो स्लोप में हाँ स्लोप मेजर करता है टीपी डायग्राम की, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो इन्वर्जन कर्व जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं हम, तो मैक्सिमम पॉइंट पे वो स्लोप 0 होगी। और इसकी वैल्यू जो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू आइडियल गैस के लिए भी 0 होगी। अच्छा, अगर आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है, क्या इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं आप? नेगेटिव है मतलब सर फिटिंग हो रही है कॉन्स्टेंट फिटिंग हो रही है टेम्परेचर। हाँ कब कब? कब हीटिंग हो रही है? जब हीट कर रहे हो, जब कूल कर रहे हो? हीट कर रहे होंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, अगर हम जैसे गैस जो भी अपना फ्लूड होता है उसका टेम्परेचर, अगर मतलब उसका इनलेट टेम्परेचर इतना है कि अगर उसका इनलेट टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो उस केस में हीटिंग होगी, एंड देन जब मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तब उसके बाद में जो है वो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम देखते हैं तो मैक्सिमम कूलिंग तभी मिलती है अपने को जब हम किसी फ्लूड को मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर पर इनलेट करें, मतलब इंटर करवाएं। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सर जिसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिफॉर्म होती है मिक्सर के अंदर, और यूनिफॉर्म हेटरोजीनियस होती है। हाँ हेटरोजीनियस अच्छा मिक्सर। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे सिंपल से अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें गिब्स फंक्शन आप पढ़ते हो, क्या रिप्रेजेंट करती है गिब्स? गिब्स फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? और ये मतलब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब थर्मोडायनामिक पोटेंशियल दैट क्या बोल रहा, फिर से बोलो। सर गिब्स फ्री एनर्जी इज द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन एक्सक्लूडिंग द पीवी वर्क। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्या डब्ल्यू मतलब है गिब्स मैक्स, फंक्शन का आपके पास? अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो सर इट इज डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डी वी, आर यू श्योर? क्लोज हम्म, फॉर सिस्टम
आपकी आवाज कट सर जा रही है पर बस, ओपन से मीट इज द इक्वल टू द आप मैक्सिमम लास्ट मंथ। लास्ट में आपकी आवाज कट रही है। सर सर फॉर ओपन फॉर क्लोज सिस्टम इट इज द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट इज मैक्सिमम वर्क डन वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम इफ वी आर एक्सक्लूडिंग द पीडीवी वर्क। ओके ओके विशाल, लेकिन पॉइंट ऑफ फीडबैक देखो, आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे लैग कर रहे हो, ठीक है। प्योर सबस्टांस वाला चैप्टर एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है, और उसी के साथ अवेलेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसमें जो गेस फंक्शन है, हेल्मोल्ट फंक्शन है, उसको जरूर देखना। तो एक गेस्ट वाला थ्योरम भी आप आगे पढ़ते हो, ठीक है। और मैं आपसे पूछा था यहाँ पे क्लोसेज इनइक्वालिटी के बारे में, जो आपने मुझे कंडीशन बताई थी उसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर सकते थे कि वो ऐसे फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या आपका कोई सिस्टम यहाँ पे फिजिबल है या नहीं है, वो भी एक तरह से आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो विद या तो क्लोसेज इनइक्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग जो मैंने आपसे पूछा था रिगार्डिंग ड्राई आइस, तो उसको जरूर देखना कि आपके पास वहाँ पे कूलिंग परफॉर्म कैसे हो रही है, और डायरेक्टली वो सॉलिड से कैसे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्यों आपको लिक्विड में कन्वर्जन वहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है, इसको जरूर वेरीफाई करना। और जो मैं आपसे पीवी डायग्राम पूछा था, जो पीवी डायग्राम आपके, इसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, इसमें प्रॉपर आपको डॉम क्रिएट करने थे, आपके पास यहाँ पे रीजन आपको शो करना था किस रीजन पे आपको सॉलिड फेज देखने को मिलता है, कहाँ पे आपका लिक्विड फेज होगा, कहाँ पे वेपर फेज होगा, कहाँ पे आपका सब्लिमेशन लाइन क्या होगी, आपका वेपराइजेशन लाइन कहाँ पर होगी, ठीक है, फ्यूजन लाइन कहाँ पर होगी, वो प्रॉपरली आपको शो करना था। और वाटर के लिए और आपका जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होती है दोनों के लिए पीवी डायग्राम अलग अलग बनता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एक यूनिक आपका मटेरियल है जिसमें आपको यूनिक एक आपका यहाँ पे सब्सटेंस है जिसकी जिसमें आपके पास क्या हो रही है, आपके पास मेल्टिंग करने पे एक्सपेंशन नहीं होती, वो आपके पास कॉन्ट्रेक्शन होता है मेल्टिंग करने पे, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग की अगर बात करोगे वहाँ पे फ्रीजिंग करने पे आपके पास कंप्रेशन होती है, ठीक है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे मेल्टिंग होने पे एक्सपेंशन होती है बाकी जगह पे, ठीक है, वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर में ऐसा उल्टा होता है, ठीक है। तो अबनॉर्मलिटी एक अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है, तो एक बार स्टडी कर लेना आपके पास यहाँ, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो आप कर्व्स पढ़ते हो पीवी टीएल जाएगा उसको देखना। और मैं आपसे पूछ रहा था कि हीटिंग क्यों हो रही, तो वहाँ पे बेसिकली मैं बता रहा था कि अगर हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस अगर परफॉर्म करेंगे, तो उस केस में आपको हीटिंग हीट मतलब कि गैस का टेम्परेचर राइज ऑब्जर्व होगा, अगर जूल फंक्शन कन्वर्जन की वैल्यू नेगेटिव आपके पास होती है तब, ठीक है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना, ओके, जी सर इनको थोड़ा सा काम करो, बाकी ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं।